हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक न्यू सॉफ्टवेयर लेके आया हूँ, जिसके ज़रिए हम विदाउट इसमें एसी कनेक्ट पावर कनेक्ट किए हुए इस यूएसबी टू यूएसबी के ज़रिए कंप्यूटर से सीधे ही जो है इस मदरबोर्ड में सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, जिसका नंबर आप देख सकते हो TP.ATM30.PV801 और 818। जिन मदरबोर्ड में भी इमेज फाइल वर्क करती है उसमें हम डायरेक्ट हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर से डायरेक्ट जो है हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं स्मार्ट एलईडी सॉफ्टवेयर में। देखिए दोस्तों, ये है लैपटॉप का सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, इसका नाम है यूएसबी बर्निंग टूल V.2.17। सबसे पहले आपको इसको अनजिप करना है। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको अनजिप करना है, या फिर यहाँ हम यहाँ से सीधे भी डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। अब ये यस बोल रहा है। देखिए दोस्तों, अब ये इंस्टॉल होने लग गया। आपने यस यस क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कि आपने इसका जो डिस्कटॉप पे इसके आइकन को रखना है या नहीं, तो हमें यस कर देना है। उसके बाद इंस्टॉल। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे, जिसमें आपको ये दिखाया जाता है, बट ये हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों देखिए, अभी हमने फिनिश कर दिया। आपको लगा कि ये अभी चल जाएगा, जब भी अभी आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बिना ये काम नहीं करता। और ये देखिए, ये वो ड्राइवर है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। अभी देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है। अभी हम इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, अभी ये खुल चुका है हमारे सामने। अगर आपके जो विंडो है वो 64 बिट की डली हुई है, तो आपने ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर आपके में 32 बिट डला हुआ है, तो आपने ये वाला इंस्टॉल करना है। अभी मैं आपको, हमारे में जो है Windows 11 डाला हुआ है, लेटेस्ट वर्जन 64 बिट। अभी मैं आपको इसमें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। इस पर सीधा ही क्लिक करना है हमने, और यस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये नेक्स्ट। और देखिए, फिनिश हो चुका है दोस्तों। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें दोनों भी कर सकते हैं, 32 बिट वाला भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये बता रहा है कि हमारे यहाँ पे 64 बिट का जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है वो है, इसीलिए अगर आपके में 64 नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो आपने 32 करके देखना है, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा।
अभी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ हमारे यूएसबी वार्निंग टूल को, किसका इंटरफेस कैसा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, ये है यूएसबी वार्निंग टूल। अभी हम इसको यस करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके में ये चाइनीज़ लैंग्वेज में खुलता है तो आपने यहाँ से इसको, हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं दो नंबर से। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्यूटर से सीधा मदरबोर्ड में आपको यूएसबी के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि कैसे हम इसमें यूएसबी टू यूएसबी पोर्ट के थ्रू विदाउट एसी के हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर धन्यवाद।